डियर क्वेश्चन 5 में गिवन है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग लेट मान रहे हैं कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। तो कॉस एक्स को टी ले लिया और साइन एक्स डी एक्स का हो गया डी टी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इधर ले ला रहे हैं माइनस डी टी, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स का कितना आ गया, डी टी माइनस डी टी, माइनस बाहर कर दिया डी टी, और वन प्लस कॉस एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब आते हैं लिमिट का चेंज करना, तब तो यहाँ टी के रेस्पेक्ट में फंक्शन हो गया, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सेम लिमिट तो पुट नहीं कर सकते। तो जब इफ एक्स इक्वल टू जीरो था लोअर लिमिट, तो टी कितना होगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस जीरो, कॉस जीरो एक्स के जगह पर जीरो इक्वल टू टी, और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, तो टी इक्वल टू क्या आ गया वन, तो एक्स का जीरो था तो ये वन आ गया। अच्छा इफ एक्स इक्वल टू हम लोग पाई बाई टू पुट कर रहे हैं अपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू इक्वल टू टी, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है जीरो इक्वल टू टी, तो इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगा जब पाई बाई टू, और ये तो डायरेक्ट फार्मूला है हम लोग को पता है क्या, कि डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी वन टू क्या हो जाएगा जीरो, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, अपर माइनस लोअर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स वन, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू होता है कितना, जीरो किसका होता है, तो ये हम लोग पुट कर सकते हैं, देखिए टेन इनवर्स टेन जीरो का वैल्यू जीरो और टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, पाई बाई फोर सिर्फ कितना आंसर आ गया, पाई बाई फोर, यही इसका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए।